सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। तो आज के द हिंदू में काफी कुछ है और कल के एनालिसिस से एक टॉपिक रह गया था ऑन कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक केस रिलेट करता है, तो उसको इंडियन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबसे घुमा फिरा के देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्लैट या फिर आईलेट या अपकमिंग एग्जाम्स किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट इज ऑल इन वन पॉलिसी टू स्प्रेड द इंश्योरेंस इन इंडिया। इसमें LIC, IRDAI के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा और क्या क्या गवर्नमेंट का प्लान है एक बार में सारी पॉलिसीज का ये इम्प्लीमेंट वो देखेंगे। सेकंड इज ऑन द ऑन कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज UN ऑब्जर्व द डायमंड जुबली। आज ही है 28 मई आज, एंड डायमंड जुबली आया जाता है इनका 1948 में बना था। देखेंगे UN और इंडिया का क्या रोल रहा UN पीस। नेक्स्ट इज अबाउट द टीना टर्नर एंड शी पास अवे, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल, wrote rule book for women in the genre, so the black woman, and bahut sare awards bhi mile, so that's why it is important to read about her. Congress asked why haste in rolling out fortified rice. Last year CLAT ne is related question pucha tha, yaad hoga bahut bachcho ko, ki wheat ka production amount puch diya tha, kitna produce karta hai. DS Atwal sahab ka naam puch diya tha, so there are high chances ki aapke is portion se bhi questions ban jaye. So I have tried to explore maximum topics that you must एक्सप्लोर इन द टॉपिक, एंड एक आधा दो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रेक्यूज क्यों करते हैं खुद को किसी भी केस से, तो वो आर्टिकल पढ़ने वाला है, बट सीए के पर्सपेक्टिव से मत देखना उसको। आप उसको लीगल के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, CR के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, बट फॉर द करेंट अफेयर्स एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन अब स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। पहले तो एक काम किया करो, जैसे हिंदू में कुछ आता है ना, कोई चीज, कोई इमेजेस भी काम की होती है, कभी हर इमेज फोटो देखने के लिए नहीं होती कि हाँ देख लिया मजे ले लिए, कभी कभार ना कुछ चीजें पढ़ने के लिए भी होती है और बहुत अच्छी चीजें आती है। जैसे ऑल इन वन पॉलिसी की बात करोगे ना, तो इस इमेज को अगर तुमने पढ़ लिया, यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट। बाकी वो लिंकेजेस की बात अलग है, बट इस पर्टिकुलर सेंस में आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना होगा। क्या क्या है देखते हैं। न्यू बंडल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है बीमा विस्तार। अगर नोट्स बनाना है या तो कोई डिजिटल नोट्स बना रहा है तो डायरेक्टली इसको ले लो, नहीं तो लिखो हाँ विस्तार, राइट। हाँ विस्तार, बीमा विस्तार डालो, और बीमा विस्तार के अंदर क्या है, लाइफ, हेल्थ, एक्सीडेंट एंड प्रॉपर्टी कवर थ्रू अ सिंगल पॉलिसी। मतलब लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी का अलग अलग पॉलिसी थी एक ही के अंदर, बीमा विस्तार के अंदर आपको सब कुछ। नेक्स्ट इज अबाउट द परमिटिंग इंश्योरेंस टू सेल वैल्यू एडेड सर्विसेज विद पॉलिसीज, फॉर एग्जाम्पल योगा क्लास बंडल्ड विद हेल्थ केयर स्कीम। जैसे कि आप अपने स्कीम्स के साथ अलग से क्या प्रोवाइड कर रहे हो, वैल्यू एडेड सर्विसेज, योगा ऑल। उसके बाद देखते हैं अब बीमा संगम प्लेटफॉर्म एज अ वन शॉप फॉर कस्टमर्स इंटीग्रेटिंग इश्यूअर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो इंश्योरेंस ले रहे हैं और जो दे रहे हैं उन सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म बीमा का संगम, ऐसे याद रख सकते हो। तो ठीक है, जो बीमा दे रहा है, जो बीमा ले रहा है, तो बीमा का संगम, तो बीमा संगम पे होगा, और उसके बीमा का विस्तार मतलब उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या बीमा आपको मिल सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट द वुमेन टू लीड कैंपेन उस पर इंश्योरेंस। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा को कैच क्या वुमेन्स फाइट किया, बिल्कुल किया गया। नेक्स्ट इज अबाउट द डिजिटल डेथ रजिस्टर्स, डेथ सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं तो उसमें डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा। होपिंग इन स्टेट्स टू फॉर्म द इंश्योरेंस कमेटी, इंश्योरेंस कमेटी स्टेट वाइज फॉर्म किया ताकि स्टेट्स को कनेक्ट कर सके। तो कुछ चीजें याद रखो, जैसे बीमा विस्तार, बीमा संगम, उसके बाद अदर फैसिलिटी, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी, वुमेन को कैंपेन लीड करना एंड स्टेट्स का रोल, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। आई गेस की आधी से ज्यादा चीजें याद हो भी गई होंगी। चलो अब इंश्योरेंस से डील कौन करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखो, ये ब्रिटिश राज से ही चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे ही है, ब्रिटिश टाइम से ही चलता आ रहा है। तो उसके सब्सिक्वेंट बहुत सारे एक्ट है विद टाइम, तो हर एक्ट को देखने की कोशिश करें कि इसमें क्या था और पहला क्या आया और इंडिया का प्रेजेंट एक्ट क्या है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश की गई 1880 पहली बार, 1870 में द ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट वॉज इनएक्टेड, ओरिएंटल 1874, एम्पायर ऑफ इंडिया 1897, स्टार्टेड इन बॉम्बे रेजिडेंस। ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंश्योरेंस बॉडीज, पहला अगर एक्ट पूछेगा कब का है, 1818 ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद है इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट आया 1912 में, ये 1911 के बाद की बात है, दिल्ली दरबार के बाद की बात, तो वहां से भी रिलेट करना सीखो। वाज द फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप टू कंट्रोल द लाइफ सेक्टर। उसके बाद इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1928 में पास हुआ। उसके बाद प्रायर लेजिस्लेशन, इसको मर्ज किया गया इंश्योरेंस एक्ट 1938 के साथ, और फाइनली 1956 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री के थ्रू, LIC को भी एस्टेब्लिश किया गया, राइट। अब देखो इसमें ऑर्डिनेंस की भी बात हुई, आज ऑर्डिनेंस के ऊपर अच्छा आर्टिकल भी आया है,
ऑर्डिनेंस हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, एक दो दिन और पहले पढ़ा, उसको ऐसे रिलेट करना, रिवाइज करना। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज किया गया 1973 में और एक कमेटी बनाई गई मल्होत्रा कमेटी 1999 में। अगर आप पूछे मल्होत्रा कमेटी किससे रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड। और इसी के बाद IRDAI बनी, एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई इंश्योरेंस की बाकी चीज़ों को रिलेट करके रेगुलेट करेगी, दैट कमेटी इज द मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, अब जैसे ये मल्होत्रा कमेटी हम लोगों ने पढ़ा, अब आर्टिकल 239 आप सबको याद होगा, यहाँ पर आर्टिकल 2 एनसीटी ऑफ दिल्ली का किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, बलवंत राय कमेटी ने रिकमेंड किया, बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं, ठीक है, मल्होत्रा कमेटी इधर। और इसका बताना मुझे 239 क्या है, क्योंकि कल ही मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर उसका लास्ट टू लास्ट टाइम भी उसको बताया था कि दिल्ली को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, फिर जिसमें नहीं याद है बलवंत राय मेहता नहीं है, बालकृष्ण कमेटी है, तो वो याद रख। उसके बाद आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ IRDAI सेक्शन 4 के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं। एक चेयरमैन साहब होंगे, 5 होल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, तो अगर देखा जाए तो 10 मेंबर बॉडी हो गया। देवाशीष पंडा इज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ये लास्ट ईयर ही बने, देवाशीष पंडा इज द करंट IRDAI चेयरमैन। क्या आपसे कुछ पूछा जा सकता है, वो देवाशीष पंडा। नाउ कॉपीराइट एंड इंफ्रिंजेंट AI, तो ये इमेज ना, ये इमेज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कॉपीराइट इंफ्रिंजेंट का है, तो ये देखेंगे अभी, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट देख लो कॉपीराइट का क्या है, ठीक है। कॉपीराइट के कितने साल के लिए दिया जा सकता है, किन वर्क के लिए दिया जा सकता है, किस वर्क के लिए नहीं दिया जा सकता है, तो ये सब बातें याद होनी चाहिए। कॉपीराइट एग्जैक्टली अगर बाय डेफिनेशन जाओ तो वो क्या बोलता है, कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट द वर्क ऑफ डाइवर्स आर्टिस्ट एंड प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट, डाइवर्स फॉर्म ऑफ वर्क को प्रोटेक्ट करता है और एक्सक्लूसिव राइट भी प्रोवाइड करता है जिसका वो वर्क है, ठीक है। बट एवरीथिंग एवरी राइट कम्स विद एन एक्सेप्शन, कॉपीराइट का भी अपना एक एक्सेप्शन है, कब तक वो प्रोटेक्टेड है, किस हद तक प्रोटेक्टेड है, किस फॉर्म में प्रोटेक्टेड है। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी ने बना दिया तो वो उसका ही है, तो बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाएंगे सोसाइटी में और मोनोपोली क्रिएट होगा कहीं ना कहीं मार्केट में भी अगर देखा जाए तो उसके लिए ऐसे एक्सेप्शंस भी तो भी देखेंगे। कॉपीराइट लॉ क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, तो कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट द वर्क ऑफ डाइवर्स आर्टिस्ट इंक्लूडिंग फोटोग्राफर्स। अच्छा, फोटोग्राफर्स पे एक और बात कि जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन है कि फोटोग्राफ जो है वो केवल कॉपीराइट हो सकता है, कैन बी ट्रेडमार्क ऑल्सो पे बात करें। इन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट फॉर द आर्टिस्ट ओवर अ क्रिएटिव आउटपुट, दिस इंक्लूड कंट्रोलिंग द मैनर व्हिच द रिप्रोड्यूस और मॉडिफाई देयर वर्क। मतलब किस मैनर में आप यूज कर रहे हो, कैसे उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब दूसरे फॉर्म में, तो उसके बाद मॉडिफाई अगर कर रहे हो तो किस हद तक मॉडिफाई और क्या क्या आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इन सब के रेगुलेशंस और एक्सेप्शंस के तौर पे मिलते हैं। ये बैलेंस्ड है एंड एक्सेप्शंस भी हैं, इसमें देखेंगे क्या क्या है। इंडियन कॉपीराइट फ्रेमवर्क एक्सेप्शन है 52 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत एक्सेप्शंस बताए गए, एक लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस है कि ये पर्टिकुलर चीज एग्जेम्प्टेड है इसमें। बस ये याद रखना कि कौन सा एक्ट है कॉपीराइट का, नाम के लिए इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। अब इंडिया का नेक्स्ट बात करें तो इंडिया एज पर सेक्शन 25 ऑफ कॉपीराइट एक्ट फोटोग्राफ्स आर प्रोवाइडेड कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 60 ईयर्स From the date of publication, this just means the date of the photograph. जिस डेट में वो फोटोग्राफ ली गई, डेट में पब्लिश किया गया उस फोटोग्राफ को और कॉपीराइट करवाया गया, उससे लेकर के 60 ईयर्स तक वो प्रोडक्ट आपका है, उसके बाद आपका कॉपीराइट खत्म। फोटोग्राफ कैन बी बोथ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। कॉपीराइट तो समझ गया, फोटोग्राफ डायरेक्टली आप कॉपीराइट करा सकते हो, अब ट्रेडमार्क कैसे करा सकते हो। जनरली एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज रहती है कि ट्रेडमार्क तो हो सकता है या फिर ऐसी चीज यूज किया जा सके, दैट इज द ट्रेडमार्क। बट फोटो कैसे ट्रेडमार्क हो सकता है, फोटो ट्रेडमार्क तब होता है अगर किसी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग की जा रही है उसके, दैट थिंग पर्टिकुलर कैन बी ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क इन फोटोज अराइजेस ओनली व्हेन दे आर अप्लाइड और सॉट टू बी अप्लाइड ऑन अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट में स्पेशली अगर उसको यूज किया जा रहा है, दैट कैन बी ट्रेडमार्क। आइडियाज फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ, ये स्पेशली क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन द कॉपीराइट, आइडियाज फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स। अश्विन ग्रोवर ने बोला था ना कि आइडिया क्या, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, तो आइडिया की वैल्यू नहीं होती, बट हाँ उससे निकली हुई चीज की वैल्यू जरूर बहुत होती है। आइडिया सोचने को क्या कोई भी सोच सकता है, तुम बैठो घर पे, हम भी बैठे, देखो सोच लो हजार चीजें सोच लो, बट अंत में जो मेन चीज लेके आएगा ना उसकी वैल्यू होगी, वही चीज है यहाँ पर। आइडियाज फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट की वैल्यू नहीं होती अंडर कॉपीराइट। अब ये रीसेंट डिस्कशन क्या है, US सुप्रीम कोर्ट में एक था AWF एंडी वारहोल फाउंडेशन फॉर द विजुअल आर्ट इंक वर्सेस गोल्डस्मिथ
AL has added more unpredictability of the process of being exempted from copyright infringement and liabilities. देखो जैसे इंडिया में क्या बात की गई थी, तीन कॉपीराइट नहीं हो सकते हैं, बाकी अलग सेक्शन 52 में बताई गई है, सेक्शन 25 में अलग से बताया गया है कब कितने साल तक है। वैसे ही हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक कंट्री में, जैसे यूरोप का अपना है, इंडिया का अपना है, यूएस का अपना है। यूएस में क्या हुआ, एक फोटो खींची गई साल पहले, यूएस प्राइमरी कंसीडर द फैक्टर्स। अब यूएस के क्या क्या फैक्टर्स है कॉपीराइट के, पहले वो देख लो, क्या पर्पज के लिए आपको यूज करना है, नेचर क्या है उसके, अमाउंट एंड सस्टेनेबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल वर्क, उसका इफेक्ट क्या क्या आएगा आगे के टाइम। AWF क्या है, पोर्ट्रेट शॉट की गई लियान गोल्डस्मिथ की फोटोग्राफ द फेमस म्यूजिशियन प्रिंस 1981, और ये आर्ट रेफरेंस के लिए, वो जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फोटो देखी थी, दैट वाज द इमेज ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर प्रिंस, उसको कॉपीराइट की बात की जा रही है, और वैनिटी फेयर में उसको सेल भी किया गया फॉर लाइसेंस $400 के लिए। फिर लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने, ये यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी दिया, और ये कहा कि एंटी वर्ल्ड फाउंडेशन कमर्शियल लाइसेंस ऑफ ऑरेंज प्रिंस, ये जो है ना कॉन्द नेस्ट जो प्रिंस है, वो ऑरेंज प्रिंस है, कैन नॉट बी डिफेंडेड एज फेयर यूज ऑफ लियान गोल्डस्मिथ कॉपीराइट फोटो ऑफ प्रिंस, कि वो जो कंडीशंस बताए गए थे फॉर्म ऑफ वर्क ये सब चीजें उसमें कर रहा था, कंसीडर कर सकते। चलो अब ट्रेडमार्क देख लेते हैं, ट्रेडमार्क एक्ट कब आया, 1999 में, और अमेंड किया गया था 2010 में। ट्रेडमार्क एक साइन होता है कैपेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स सर्विस ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोस ऑफ अदर। देखो ट्रेडमार्क में जनरली क्या होता है, एक टी करके साइन बनता है, तो ये प्रोडक्ट देखना उसका ट्रेडमार्क होगा तो उसमें टी साइन होगा, तो वो पता चल जाता है कि ये डिफरेंटेड प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर पर्सन का। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो आप आए दिन पढ़ते रहते हो GI के बारे में, मैक्सिमम GI जैसे यूपी के पास है राइट, और टोटल 400 समथिंग अराउंड GI टैक्स है ऑल इंडिया में। अगर बात करें GI टैग इज अ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जैसे रसगुल्ला का डिबेट चलता है ना वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में, ये GI टैग। और अगर बात करें आगे तो 1999 में GI टैग वाला आया था, और GI टैग का सीन अगर देखो तो रिसेंटली मुजफ्फरपुर की लीची को GI टैग दिया गया, बहुत स्टेट के अलग अलग प्रोडक्ट्स को GI टैग मिलता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाला है। उसके बाद डिजाइंस की बात करते हैं, डिजाइंस इज बेसिकली द इंडस्ट्री के डिजाइंस होते हैं, डिजाइंस भी कॉपीराइट होते हैं ट्रेडमार्क हो जाते हैं। एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल सेफ एंड आर्टिकल 2 डायमेंशनल पैटर्न लाइंस और कलर्स। डिजाइन एक्ट 2000 के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, अगर आपका कोई भी डिजाइन है उसको प्रोटेक्ट का प्रोटेक्ट पा सकते हैं द डिजाइन एक्ट, और इसका पीरियड होगा 10 ईयर्स और उसको 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया। नाउ UN ने ऑब्जर्व किया है डायमंड जुबली UN पीस कीपर्स डे के तौर पे 29 मई, अब 1948 में स्टार्ट हुआ था सिस्टम इनका, और एम क्या है, एक वर्ल्ड में पीस को क्रिएट करना और पीस को मेंटेन रखना, यूनिटी को मेंटेन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया इसमें सबसे बड़ा वीमेन कॉन्ट्रीब्यूशन देता है UN फोर्स में, और UN पीस कीपिंग में 2007 में इंडिया ने मैक्सिमम वीमेन डिप्लॉय किया था, ब्लू हैट्स के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज दे वियर ब्लू। क्या 1948 में वेस्ट एशिया में इन्होंने क्या, 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं इसके, पार्टीज का कंसेंट, पार्शियलिटी एंड नॉन यूज ऑफ फोर्स, एक्सेप्टेंस, सेल्फ डिफेंस, राइट, ये 3 चीजें बेसिक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो कर। नाउ टीना टर्नर क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल, हु रोट द रूल बुक फॉर द वुमेन विनर, ब्लैक वुमेन, ब्लैक 8-time ग्रेमी विनर है ये, तो टर्न बाय हर पेरेंट्स ऑफ रॉक एंड रोल, ये नाम याद रखना बस कि कितने टाइम्स इनको ग्रेमी मिला है, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, एंड सी इज अ ब्लैक, दैट्स व्हाई थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है राइट, के बाद ये याद रखना और ये नाम याद रखना। बेस्ट इज कांग्रेस आस्क व्हाई हेस्ट इन रूलिंग आउट, मोदी जी आपको पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन भी करने वाले हैं नए हाउस का, मैं 5 रुपीज का एक कॉइन भी इशू हो रहा है जिसमें सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल का यूज़ हो रहा है 5% 50% वो सिल्वर का यूज़ कर रहा है पर्टिकुलर कॉइन को बनाने में, 75 ईयर्स को मार्क करने, 44 mm का डायमीटर है अभी तक जितना मैंने इसको देखा है, अभी रिसेंटली कुछ देर पहली न्यूज आई है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस एंड, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसमिस किया है पटिशन, जिसमें पटिशन ये था द्रौपदी मुर्मू इज इनॉग्रेटिंग द पार्लियामेंट हाउस व्हाई राइट। उसके बाद आप अर्लियर वाला भी याद रखो कि जो अर्लियर
जो पार्लियामेंट बिल्डिंग उसको किस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था, 64 योगिनी टेम्पल, वो भी याद रख सकते हैं, वो भी हम लोगों ने, बाकी जब आएगी न्यूज अच्छे से देखें। नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 80 करोड़ बेनिफिशियरी, इसमें फोर्टिफाइड राइस का कॉन्सेप्ट क्या है। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है कि जो नॉर्मल राइस होती है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि बेनिफिट बढ़ सके और उसे पीडीएस के थ्रू सेल किया जा सके। राइस 3 रुपए किलो मिलता है, वीट 2 रुपए किलो मिलता है, बाजरा 1 रुपए किलो मिलता है, जो कोर्स ग्रेन होता है ना मिलेट्स। फोर्टिफिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डिलिबरेटली इंक्रीजिंग द कॉन्टेंट ऑफ एन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन या मिनरल इन फूड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ताकि हेल्थ रिस्क कम हो सके। राइट, फोर्टिफिकेशन फैक्टर डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 45 डेज, सो इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर फोर्टिफाइड फूड राइस फॉर लॉन्ग। कहा जाता है कि 45 दिन के अंदर बनाए खत्म करो, उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस और मेल न्यूट्रिशन सफर कर रहे हैं, डेट्स वाई हम फोर्टिफाइड राइस यूज कर रहे हैं। राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वर्ल्ड में चाइना है, और इंडिया में बात करें तो स्टेट इज वेस्ट बंगाल, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया राइस। और ये फोर्टिफाइड राइस था ना पीडीएस वाला, ये 3 साल के लिए किया गया था, बिगनिंग हुआ था 2019। राइस इज वन ऑफ द स्टेपल फूड, पर कैपिटा कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है राइस का, 6.8 किलो पर मंथ है। FSSI के अकॉर्डिंग 1 kg फोर्टिफाइड राइस में लगभग 28 से 42 ग्राम आयरन है, फॉलिक एसिड 75 माइक्रोग्राम एंड विटामिन B12, ठीक है, ये बेरी बेरी एनीमिया इन सबसे लड़ता है, और आयरन जैसे है आयरन का कंटेंट डालना जरूरी है क्योंकि एनीमिया इंडिया टारगेट भी कर रहा है कि सिकल सी एनीमिया को रिड्यूस करना है, 2047 तक इरेडिकेट करना है, तो ये आयरन होना चाहिए। बट इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी, अगर ज़्यादा अमाउंट में दे दोगे आयरन तो अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्लोबली टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री देखें तो चाइना इज अ 30% आई गेस वर्ल्ड का सबसे प्रोड्यूस करता है, इंडिया 22% राइस प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का। और इंडिया में एक पर्टिकुलर स्टेट देखें तो पर्टिकुलर स्टेट देखने पर समझ में आएगा कि वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, जो कि उसको मिलता भी है, उसको अपना एरिया मिलता है। राइट, और हरियाणा साइड पे अगर तुमको राइस लग रहा हो कि ज़्यादा मिलता है तो डेट इज़ द रिजल्ट ऑफ HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का रिजल्ट है उधर, राइस वीट और ये ग्रेन्स का जो एकदम से पंप हुआ उधर, डेट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। हु वाज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड? नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड भी होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और सबसे पहला अवार्ड मिला था डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। राइट, नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड बाय, व्हाई डू जजेस रिक्यूज देमसेल्फ, ऑर्डिनेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, कल ही पढ़ा था, ज्यादा कुछ नहीं, पर देख लो मिला जाएगा। नाउ क्वेश्चन टाइम, 32nd अरब लीग समिट हेल्ड इन जेदा, जेदा इंडियन इस्लामिक कॉपरेशन का भी एक हेडक्वार्टर है, OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का हेडक्वार्टर भी जेदा में है सऊदी अरेबिया में। दिस इज सेंगोल, कल ही देखा इसके बारे में, एंड फैमिली ऑफ सत्यजीत रे, इन्होंने नायक मूवी के लिए आए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू बी इन डाउट फिर मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।